हेलो गाइस, यहाँ पे हम आ गए हैं मंदिर से आते हुए कि ये क्लिप है और यहाँ तक आपने देख लिया था हम कैसे आ रहे हैं मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद हमने क्या घर में किया, फिर शाम में कैसे पार्टी की, वो सब आज इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब से बिजी थी मैं, हमने वहाँ पे मंदिर में ये पूजा की थी पिछले ब्लॉग में, आप जाके देख लेना और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी मैं इसका लिंक। हम बहुत सुबह पहुंच गए थे वहाँ पे मंदिर में और युवराज और भव्या के बर्थडे की एक साथ ही पूजा करा दी थी। सो गाइस, यहाँ पे हो रही है आरती हमारी और आरती के बाद बस चलेंगे हम, शाम की भी तैयारी करनी है। पूजा हो गई हमारी और आ रही है। हाथ पैर नहीं धोते वैसे ही धो रहे ना, थोड़ा सा धो नहीं करते, हल्का सा कर लो, चलो पैर नहीं धोना। तो अब उनके हाथ चिपक रहे थे थोड़े प्रसाद में, तो हाथ धोने गए हैं और यहाँ पे बज गए 10 तो बज ही गए होंगे, नहीं अभी 9:30 बजे हैं। 9:30 बजे हमारी पूजा संपन्न हो गई है और ये इनके झगड़े। सुबह ही आ गए थे, क्या हुआ? पिंक वाला आप मेरे बर्थडे में पहन लेना। नहीं बेटा, मैं यही पहनूंगी, ये पूजा के लिए पहन लिया, अब निकाल दूंगी मैं ये सूट, मुझे अच्छा लगता है, ये कलर भी अच्छा है, न्यू है ना। हेलो गाइस, मैं सिटी एफ सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैंने चेंज करके आ गई हूँ कपड़े और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप हो गई है। जब पूजा करा रहे थे जब तो थोड़ी ठीक थी और अब जल्दी से मैं यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी, सबको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, जल्दी आटा बना के जल्दी रोटियाँ रेडी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने और आटा भी बना लिया है, अब मैं रोटी बनाऊँगी गाय की और फिर जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। करने के लिए आई थी पानी लेने के लिए। किसके लिए? अभी तो लेगी थी बिल्कुल ठंडा पानी, वो बिल्कुल ठंडा, तो वो कैंपर में डाल दो ना बेटा, बहुत गर्मी ज्यादा है। चलो मैं डालती हूँ, ठीक है, उसमें बर्फ जम रहा है। मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ उसे और यहाँ पे ज़्यादा ठंडे पानी की बोतल डाल देती हूँ मैं कैंपर में, क्योंकि सारा ही ठंडा हो जाएगा, अच्छा रहेगा पीने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में ज़्यादा पानी पिया जा रहा है। और पानी मिक्स करने के बाद अब बनाऊँगी मैं रोटियाँ, क्योंकि हमारे तो कूद ही रहे हैं पेट में चूहे हैं, बच्चों के भी हिम्मत है, सुबह से ऐसे ही हैं, उनके लिए बनाऊंगी पराठे और अपने लिए और इसके पापा के लिए बनाऊंगी रोटियां। तो जल्दी से, और मम्मी जी भी आ गई थी लेकिन मैं नाश्ता करके आई थी, वे कहीं पे गई हुई थी तो इसलिए उनका नहीं बनाना है मुझे। पापा जी देहरादून गए हुए हैं आज और केक कट होने तक वे आज आएंगे देहरादून से, और जल्दी से अब बस ये करके और अब खाना खा के, ये जो नाश्ता और खाना एक ही समझो, इसके पापा भी और भव्या युवराज भी फिर शाम को ही केक कट करने के बाद खाएंगे। मैं इन्हें खिला के सुला दूंगी जिससे कि आराम कर ले, फिर हमें डेकोरेशन में भी टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, इतने इसके पापा भी 2 घंटे या 1 घंटे रेस्ट कर लेंगे, सामान लेके आना है और डेकोरेशन करानी है, तो फिर वो सब कुछ मैं सूट करूंगी और लेकिन मैं नहीं रेस्ट करूंगी, मुझे क्योंकि खाने के भी पूरा करना है और पहनने के इनके कपड़े वगैरह निकालने हैं। ये मैंने नाश्ता बना के रख दिया है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है और बच्चों को सुला दिया है, इसके पापा भी लेट गए हैं उठने के बाद, ये थोड़ा डेकोरेशन वगैरह का काम लिख करेंगे और कुछ तो मैं ले आई थी डेकोरेशन का सामान, कुछ ये लेके आएंगे और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बच्चों वगैरह को इनवाइट करेंगे। देखें आप लोग में बने रहिएगा और अब मैं जल्दी से भिगो देती हूँ मैं राजमा। मैंने पूछा था बच्चों से क्या बनाना है क्योंकि परसों को बनाना है, वो आज नहीं, और जो आज बनाऊँगी वो परसों को नहीं, तो भव्या ने कहा कि आप बना देना कि आज बनाऊँगी राजमा और वो कद्दू पूरी, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और कल को बना वो परसों को बनाऊंगी छोले और पनीर, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अब सेम चीज़ तो बनाई नहीं जाने की, और ये दो ही चीज़ें ऐसी जो भव्या युवराज दोनों खा लेते हैं। हमने बर्थडे गाइस यहाँ पे भिगो के रख दिया है मैंने राजमा और ये कद्दू, ये
और अब थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं बच्चों के उठने के बाद आलू रोटी, तो वही हो जाता, आलू पूरी हो जाती, नहीं तो इसके ये है कद्दू, तो शाम को कद्दू पूरी हो जाएगा, तो ये चलेगा। यहाँ पे बच्चे भी उठ गए हैं और इसके पापा भी उठ गए हैं, जल्दी से ये बैलून वगैरह फुला रहे हैं और जो ऑर्डर किया हुआ है वो सामान लेने जाएंगे। यहाँ पे ये जो भीगा हुआ राजमा था ये बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, और आलू भी इसी में बॉईल करने के लिए रख दूँगी, जिससे कि या तो आलू की पूरी बना लूँगी या मैं बना लूँगी आलू सूखे, तो इसमें अलग करके रख दूँगी मैं, एक ही साथ कुकर में हो जाएंगे। क्या है ये बनाऊंगी, इतना ये होता है, खाना खाती हूँ इतना में। थोड़ी सी चाय बना रही हूँ क्योंकि सुबह नहीं पी थी, सर में दर्द हो रहा है, इतने राजमा होएगा, इतने खाना खा लूँगी मैं। युवराज का दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ। सो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने रख दिया है राजमा बॉयल करने के लिए भी, अभी 4 बजे हैं और ये भी चाय ले जा रही हूँ बना के, और खाना खा के फिर डेकोरेशन में लगूँगी, और अभी युवराज को खाना खिलाऊँगी और खुद खाना खाऊँगी क्योंकि लेट नाश्ता किया था, तो अब 4 बजे 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बजे खाना खाएँगे। पहले कपड़े फोल्ड करूँगी और डेकोरेशन, और अब देखते हैं कि कितना डेकोरेशन का सामान रेडी हो गया है। भैया लगे हुए हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं भैया भी, और इसके पापा रहे हैं ना, क्योंकि ऑर्डर का सामान लेने भी जाना है इन्हें भैया को साथ में इसके पापा के, तो इसलिए जल्दी से पहले यहाँ डेकोरेट करके जब जाएंगे। यहाँ हमारे भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी भतीजी के बर्थडे में। हाँ आपका तो बर्थडे है, चाचू का क्या है, चाचू देखो अकेले लगे पड़े हैं। हाँ चाचू के में भी करना है, ठीक है, और युवराज बस ऐसे ही खाली बैठा हुआ है, ये सब कुछ कवर उवर ठीक कर दो बेटे। सो गाइस यहाँ पे रेडी हो गए हैं, पूरा डेकोरेट हो गया है यहाँ पे, और फ़ैन ऑफ कर दिया है क्योंकि फ़ैन की वजह से बार बार बैलून उतर उतर के जा रहे हैं, और यहाँ पे ब्लास्ट भी हो रहे हैं, फट रहे हैं पूरे। युवराज ना रहे हैं, यहाँ पे राजमा रेडी हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से, और ये तेल भी चढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे दूध रख दिया है, और ये अट्टा भी बना दिया है, सब्जी भी रेडी हो गई है, और पसीने में मेरा यह हाल हो रहा है। अब मैं जल्दी नहा के कपड़े चेंज करती हूँ और बच्चों को भी तैयार करती हूँ, उसके बाद पूरी वगैरह भेज दूँगी, दिया जला देती हूँ कपड़े पहन के। गाइज यहाँ पे हमारे सोनू मोनू रेडी हो गए हैं नहा के, और यहाँ पे बैठ गए हैं, आज युवराज फर्स्ट टाइम इसके साथ बैठा है, नहीं तो ये तो बैठता ही नहीं, और ये हमारी फैमिली की वीडियो सिर्फ वे हैं जो मैंने शूट की थी, आगे की केक कट वगैरह की बस फोटो ही क्लिक की थी भैया ने, वीडियो उन्होंने नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैं वीडियो ऐड नहीं कर पाई, फ़ोटो क्लिक की थी, वे फ़ोटो ऐड कर रखी है मैंने। यहाँ पे भव्य के सारे फ्रेंड्स, इनकी सारी ग्रुप की फ़ोटो वगैरह ली है, जो आपको शॉर्ट्स में रील में सब में दिखेगी, जो मैंने डाले थे बर्थडे के टाइम पे, बस मुझे व्लॉग वो एडिट करने का टाइम नहीं लगा था क्योंकि मैं कावड़ लेने चली गई थी इस वजह से, तो अब मैं व्लॉग सारे डाल रही हूँ, और युवराज के बर्थडे का भी करूँगा। यहाँ पे इन्होंने खूब मस्ती की बच्चों ने, और यही टाइम होता है कि सब एक साथ मिलते हैं, और यहाँ पे मम्मी जी और मौसी जी, और इनके साथ भी भव्य बहुत मस्ती करते हुए। भव्य सबके साथ ऐसे ही करती है, पप्पा जी से भी अपने बहुत मजाक करती है, जबकि पप्पा जी से सब डरते हैं, ये नहीं डरती। इसके पप्पा जी ने सुबह भी दे दिए थे पैसे और फिर देने लगे, और ये कह रही है ऐसे ही बैठ जाओ पप्पा जी। यहाँ पे पापा जी को खिलाने के बाद लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके पापा जी उठ के चले गए,
वही तो ये सारा मुंह सड़ाती उनका। और फिर आ गई ताई जी, ताई जी के साथ भी ऐसे ही मस्ती कर रही थी। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह कराते हैं और देख के आते हैं कि किसको क्या देना है, और उसके बाद जाऊंगी मैं किचन में। अब आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ बना रही हूँ पूरियाँ। केक उक का काम हो गया है, अब जो भी खाएगा उनके लिए बना दूँ खाना, लेट हो गया काफ़ी। फिर मैं भाभी के साथ थोड़ी रील बनाऊँगी। ये केक नहीं खा रही, डाइटिंग किस लिए? शादी के लिए। युवराज आप भी नहीं केक खा रहे हैं? बूजी की शादी के डाइटिंग करोगे? भव्य डॉल खा रही है बेटे। हेलो, युवा हेलो हेलो कबलो हेलो हमारा किसका बर्थडे है आज? कबल दीदी का। अच्छा लग रहा है, मुझे क्यों नहीं दिया है आपने? मुझे तो दिया नहीं, मुझे तो दिया नहीं। सो गाइज, सबके जाने के बाद मैंने युवराज के साथ, भव्य के साथ बहुत सारी शॉर्ट्स और रील बनाई जो कि मेरी आएगी भी और आ भी चुकी है। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। मेरे बच्चों को आप बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि ये ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे और मैं ऐसे ही ये दिन मनाती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।